आलिया मैम, आप ही कल थे ना, किनको दिए थे फोन? इनको दिए थे कल फोन? किससे बात करवाया था? शादी के लिए बात करते हैं तो कैसे उस करके आ जाते हैं आप लोग? उस टाइम बोलिए ना कि मेरा शादी है भाई, उस टाइम आपका ही भाई का डबल सी यही इशू है। हाँ सर, हो रहे भाई, मेरा नहीं बेटा था उसके सिलसिले में राजन हो रहे क्या? हाँ बोले, उस दिन तो चले गए। अरे वो ठीक है, उसको होना चाहिए ना, इसके बीच में अगर कोई लेना चाहेगा भाई, कोई भी ठीक नहीं रहेगा, नहीं बताएगा ना। स्टार्टिंग में मेरा 1200 एक्स्ट्रा कटेगा, वो हमको नहीं बताएगा। सर जब तक क्लियर नहीं पड़ेगा ना, तब तक फिर कैसे होगा? ठीक है, जैसे अभी आप अभी बता रहे हैं हमको, उस टाइम भी बताते तो क्लियर हो जाता। आप बोले शोरूम चले जाओ, उसमें क्लियर हो जाता तुम्हारा। अभी हमको क्या करना है वो छोड़िए, अभी हमको क्या करना है? हाँ नहीं, वहाँ पे होल्ड बता रहा, हम जो ऐप पे देखे मेरा अमाउंट का मार्क्स का होल्ड बता रहा, वो तो आप देखेंगे ना सर, हम कैसे देखेंगे? हाँ अच्छा, कब आप आएंगे? परसों रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? बात तो हो गया, सोल्यूशन नहीं आया ना। क्या बोले परसों? भाई हम आएंगे तो बताएंगे, परसों आप आइए। अब बचा मतलब गाड़ी लेने के बाद हमको यही सब करना पड़ेगा, जो प्रोसेस उसी के अनुसार चलेगा। ये सब प्रोसेस सही नहीं है सर, हम तो नहीं आए। और उसके बाद मान लीजिए अभी हम बोल देंगे, अभी आप बोल देंगे अरे ये पैसा लगेगा और 1200 एक्स्ट्रा लगेगा, आप क्या भरिएगा उस टाइम? नहीं नहीं, पहले ये बताइए, भरिएगा आप? भरना तो हमको पड़ेगा ना। ठीक है, परसों ही है ना। ये सब सही नहीं है कि बाद में होल्ड कर दो, बाद में उसी से ले लो। आप लोग जब देते हैं ना गाड़ी तो ये सब बता दीजिए कि भाई एक सर को देख लो और उसी से पूछ लो। हर लोग तो नहीं नहीं, ये गलत बात। अभी जैसे आप बोले ना सर ही बताएंगे, तो आप कंडीशन स्टार्टिंग में बताइए कि सर ही बताएंगे। फिनांस अलग है, सेल्स अलग है। तो बताए ना आप स्टार्टिंग में, तो सोच समझ के आदमी करेंगे। आपको नहीं पता है कि सेल्स और फिनांस अलग होता है? अरे भाई तुमको हर आदमी अकाउंट हर आदमी को नहीं मालूम मिलाइएगा, हर आदमी को नहीं मालूम। आदमी आता है यहाँ पे आता सोच करके, ठीक है? हम समझ रहे हैं, आपको समझाना पड़ेगा। ये चीज़ भाई देखो, तुम ले लोगे ना, नहीं कटेगा तो उससे भेंट करना, कट गया तो उससे भेंट करना। समझा भी नहीं पाएंगे भैया, सॉरी। नहीं तो स्टार्टिंग में समझा, सॉरी बोल तो दिया, अभी सुधा तो नहीं बोल पाएंगे। स्टार्टिंग में वो चीज करो और फिर इधर भी नोटंगी करो। लास्ट बोल दिया, सॉरी। लास्ट में ऑप्शन यही है आपके पास, क्योंकि ऑप्शन है नहीं आपके पास और कुछ बोलना नहीं चाहते है ही नहीं आपके बोलना नहीं चाहते ठीक है। बात होने लगे
बहुत खराब लगता है, बहुत ज़्यादा एनी टाइम जैसे करते हैं ना अगर पैरवी। घर आए हैं और अभी कॉस्मिक बाजार जो है चास बोकारो में है, जो बाईपास रोड के पास, वहाँ गए हुए थे लेन देने के लिए। तो वो लोग सही से माने नहीं, वो लोग बोलते हैं कि ये सर नहीं है, वो सर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। चार दिन से हम दौड़ रहे हैं और अपना इशू जो है सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो लास्ट में फाइनली हम ये सोचे कि वहाँ जा कर के मिल के बात करते हैं। तो वहाँ गए कॉस्मिक बाजार जो चास में है, तो वहाँ पे बोल रहा है कि सर नहीं है, इससे बात कीजिए, उससे बात कीजिए। और फिर क्या होता है कि अगर आपका ईएमआई टाइम पे नहीं कटा तो एक्स्ट्रा आपसे जोड़ लिया जाता है। पैसा होने के बाद, अकाउंट में होने के बाद भी ये क्या है, अमाउंट कट नहीं रहा है। अब क्या होगा, बाद में पैसा जोड़ेगा तो किससे कटेगा? तो गाइस, अगर आप बाइक खरीदते हैं तो जो चास से अगर खरीदते हैं, कॉस्मिक बाजार चास में जो है बाईपास रोड के पास, अगर वहाँ से खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, और हर एक छोटा छोटा बात का ध्यान रखें कि ये लोग से पहले ये कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि टाइम टू टाइम कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि बाद में आपसे कोई स्टाफ ढंग से बात नहीं करता है और ना ही आपका सोल्यूशन को ठीक करेगा वो लोग। तो इस बात को ध्यान पर रखें, अगर बजाज शोरूम से कॉस्मिक बजाज चास वाला से अगर लेते हैं तो इस बात को ध्यान रखें। मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो चलो मैं मैनेज कर ले रहा, आप लोग अपना देख लो, आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ठीक से ध्यान से नहीं लेते हैं तो। और जो इसका स्टाफ है, एक तो प्रीति है और एक राकेश है, जो कि और एक सेल्समैन है, उसका नाम नहीं पता हमको। तो ये दो जो प्रीति और राकेश का नाम सुने थे वहाँ पर, इसी के लिए आपको बता रहे हैं। ये लोग और एक सेल्समैन है, उससे थोड़ा ध्यान से रहिए। और यही लोग बदतमीजी कर रहे थे, और तो आप ध्यान रखें, क्योंकि भाई गाड़ी लेने के बाद आपको कोई वैल्यू देने वाला नहीं है। गाड़ी लेने से पहले, जब आप गाड़ी लेने जाओगे तो भगवान मान लेंगे आपको, उसके बाद फिर सब खराब। तो हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, आप लोग जब बाइक ख़रीदने जाओ तो ध्यान से और अपना, क्योंकि और वहाँ पे हम लोग अभी आप देखे होंगे वीडियो, तो उसमें मोबाइल बंद करने का बार बार बोल रहा, मोबाइल बंद करो, क्योंकि हम मोबाइल ऑन रखे, फिर मेरे एक दोस्त को वो चुपके से लिया गाइस, और वही आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह का फाइट हो चुका है बजाज कॉस्मिक बजाज से, और जो बाईपास के पास है वो ध्यान रखे। तो आप देख ले अपना क्या होगा, ये लोग का स्टाफ बहुत बेकार है, और जो भी है, तो मुझे प्रॉब्लम हुआ, आपको भी हो सकती है, तो ध्यान से ले, तो इस चीज़ को देख ले। ओके।